वह फैला रहे हैं कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार वहां पर आ रहे हैं। अब अक्षय कुमार वहां पर आ रहे हैं कि नहीं, आपको क्या जानकारी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षय कुमार जो फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हैं वो वहां पर नहीं आ रहे हैं, झूठी अफवाह है। क्योंकि ये बहुजन समाज का आंदोलन है और वैसे तो सभी के लिए द्वार खुले हैं, जो संविधान को मानता है, बाबा साहब के प्रति उनकी अगर श्रद्धा है तो कोई भी उस आंदोलन में शामिल हो सकता है। जैसे कि ओबीसी एससी ओबीसी वालों ने भी लेटर पैड के द्वारा अपना समर्थन जाहिर किया है, ओबीसी वाले भी इस आरक्षण बचाओ आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो वैसे तो सभी को आना चाहिए, जिसकी धारणा है आरक्षण के प्रति, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है और दलितों के प्रति उनकी अच्छी धारणा रखते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि अक्षय कुमार वहाँ पर आएंगे। करणी सेना को क्या जवाब देना चाहोगे आप यहाँ से कि ये आंदोलन हो रहा है, आप करणी सेना को क्या कुछ कहोगे? करणी सेना को मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, करणी सेना से हमारा कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है। कोई भी करणी सेना हो या भीम आर्मी सेना हो, बहुजन आर्मी सेना हो, कोई भी हो, सबको, ये संवैधानिक देश लोकतंत्र देश है, इसमें सभी को अपनी इच्छाएं जाहिर करने की अनुमति है, अपनी अपनी बात रख सकता है, अपने अपने तरीके से आंदोलन कर सकता है, संविधान के दायरे में अपनी मांग रख सकता है। उन्होंने अपनी मांग रखी है, हम लोग अपनी मांग रखेंगे। और रही बात जो सत्य है इस देश में, जो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक समानता को लागू करने के लिए इस लड़ाई को हम पुरजोर ताकत देंगे। और रही करणी सेना की, तो करणी सेना ने जो कहा है कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ, करणी सेना ही नहीं, कोई भी आरक्षण ख़त्म करने के बारे में सोचेगा तो हम लोगों के दिमाग में आज ही भीमा कोरेगांव है, पूरा बहुजन समाज भीमा कोरेगांव दोहराने के लिए तैयार रहेगा। जो 500 दलितों ने 28,000 महारों को धरती में धूल में मिला दिया था, तो उस बात को भी हम लोग दिमाग में रखे हुए हैं। तो ये दिमाग से निकाल दे, करनी सेना हो कोई भी हो, जो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, उनको हम स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें, कहीं से कहीं तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, ये हमारा वादा है।